अक्षय कुमार, नितेश देशमुख और बॉबी देओल की आने वाली फिल्म हाउसफुल 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर से साफ हो गया है कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट एक बार फिर से आपने हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाला है। फिल्म की कहानी में पुनर्जन्म का तड़का लगाया गया है जो इस कहानी को बेहद दिलचस्प बना रहा है। ट्रेलर की बात करें तो इसमें 600 साल के गैप से इतिहास दोहराता दिखाया गया है जो कि शादी से जुड़ा है। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल, कृति सैनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े का पुनर्जन्म दिखाया गया है। 600 साल बाद एक बार फिर से इन जोड़ियों की शादी होती है लेकिन पार्टनर बदल जाते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार को 600 साल पहले का सब याद है। वो रितेश और बॉबी देओल को बताते हैं कि उन तीनों शादी उनकी भाभी से हुई है, यानी 600 साल पहले जो उनकी पत्नी थी अब उनकी शादी उनके भाइयों से ही हो गई है। ट्रेलर देखने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। फिल्म में कृति सैनन, पूजा हेगड़े और कीर्ति खरबंदा लीड एक्ट्रेस हैं। इसके साथ ही चकी पांडे, नाना पाटेकर और जॉनी लेवर फिल्म की कॉमेडी में ज्यादा जान डाल रहे हैं। फिल्म के डायलॉग की अगर बात करें तो फिल्म के डायलॉग बेहद उम्दा है और उस पर अक्षय और रितेश की डिलीवरी और एक्सप्रेशन सटीक बैठ रहे हैं। ट्रेलर में सबसे दिलचस्प है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स का डायलॉग कभी कभी लगता है अपन ही भगवान बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लुक से साफ है कि वो फिल्म में तांत्रिक की भूमिका में है। 3 मिनट 36 सेकेंड के ट्रेलर में ये साफ है कि आखिर फिल्म की कहानी किस थीम और सब्जेक्ट पर आधारित है। आपको बताते चलें कि ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है।